राम, वेलकम टू माय चैनल साई टैरो 777। मैं टैरोट रीडर पूनम वर्मा लौट आई हूँ आपके साथ मंथली रीडिंग के साथ में। तो चलिए जानते हैं कि मेष राशि के लिए नवंबर का महीना कैसी ब्लेसिंग लेके आ रहा है, क्या गाइडेंस लेके आ रही, कैसी एनर्जी इनके आसपास रहने वाली है। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि की मेजर चेंज से कि उनके मेजर चेंज क्या आ रहे हैं। तो मेष राशि के क्या मेजर चेंज आने वाले हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा मेष राशि वालों के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा मेष राशि के लिए। ओके, सबसे पहले आया है हाई प्रिस्टिस का कार्ड। तो हाई प्रिस्टिस का कार्ड मुझे यहाँ पे ज्ञान और शक्ति की बात करने की बात कह रहा है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि इस नवंबर के महीने में एक माइंड क्लैरिटी आपकी लाइफ में आएगी, क्योंकि आप इंट्यूशन को फॉलो कर पाएंगे। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कई बार मेष राशि जो है ना, कई महीनों से मैं देख रही हूँ कि वो बहुत ही कंफ्यूजन में रहे हैं, और यहाँ पे इस नवंबर के माह में मुझे यहाँ पे एक क्लैरिटी दिखाई दे रही है, जिसके जरिए आप कुछ नया करने वाले हैं। यहाँ पे मुझे किसी प्रकार की अचीवमेंट भी दिखाई दे रही है, और ये अचीवमेंट आपकी पर्सनल ग्रोथ को लेकर के मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे मून काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि शिव बाबा की यानी भोले बाबा की आपके ऊपर नवंबर के माह में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग रहने वाली होगी। हो सकता है कि अभी हाल ही में आपने सोमवार का व्रत या शिव जी की भजन वगैरह के ऊपर आपने फोकस किया हो, जिसकी वजह से माँ आद शक्ति शिव जी के साथ में आपके ऊपर ब्लेसिंग करती हुई मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, और कोई ना कोई मुझे बहुत बड़ी अचीवमेंट भी आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही है। बस जरूरत क्या है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने की। जितनी इंट्यूशन को अपनी फॉलो करोगे, आप अपने राइट पाथ पे रहेंगे। किसी औरों की बातों में मत आइएगा। आपका दिल, आपका मन, आपका कॉन्शियस माइंड है, आपकी वही सबसे बड़ी पूंजी है। किसी के भड़काने पर मत आइएगा। जितना हो सके अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, और अगर ऐसा करते हो तो यहाँ पे मून की एनर्जी आपकी काफ़ी इस महीने हाई रहने वाली है, और इस हाई वाइब्रेशन के जरिए आप बहुत सी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। ठीक है, चलिए आपके लिए जानते हैं कि और क्या एनर्जी आपके लिए रहने वाली है मून मेष राशि के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा मेष राशि वालों के लिए। नवंबर माह का महीना कैसा रहने वाला है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। ओम साई राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड। आपका सबसे पहला कार्ड है जजमेंट, और ये मुझे कहीं ना कहीं से अचीवमेंट दिखाई दे रही है, बहुत बड़ी अचीवमेंट दिखाई दे रही है, क्योंकि जजमेंट के कार्ड में सीधी नज़र जो मेरी गई है इस गिफ्ट के ऊपर गई है। तो जो भी आपने पिछले कर्म किए थे ना, उस कर्मों के हिसाब से आपको गिफ्ट मिलने वाले हैं, ये याद रखिएगा। आर्कएंजल माइकल की यहाँ पर बहुत बड़ी वाइब्स है। तो जो भी कन्फ्लिक्ट आपकी लाइफ में आ रहे थे, जो भी स्ट्रगल आपकी लाइफ में आ रहे थे, कहीं ना कहीं वो आर्कएंजल माइकल वो स्ट्रगल को, उस कन्फ्लिक्ट को आपकी लाइफ से दूर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और खास करके मुझे यहाँ पे जो है ना, ये आने वाला जो चंद्र ग्रहण है, इस चंद्र ग्रहण में आपके लिए कोई ना कोई बड़ी अचीवमेंट दिखाई दे रही है। आपके लिए अगला कार्ड देख लेते हैं, टू ऑफ पेंटिकल्स। जैसे कि मैंने पहले यहाँ ही बात की थी कि आप कन्फ्यूजन की एनर्जी में रहे हो काफ़ी 2-3 महीनों से लगभग, तो उस कन्फ्यूजन की से निकलने के लिए तरीका क्या है, सिर्फ और सिर्फ अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना। जितना इंट्यूशन को अपने फॉलो करोगे ना मेष राशि, उतनी जल्दी आप अपनी चीज़ों में क्लैरिटी पाएंगे कि कहाँ मुझे जाना है। और यहाँ पे टू पेंटिकल्स है, तो यहाँ मनी रिलेटेड जो है ना, आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म होते हुए दिख रही है। लेकिन जब आप अपने पर विश्वास रखोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस की मुझे कमी दिखाई दे रही है, और इसके लिए ज़रूरत है अपनी कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा हाई रखने की। और इसके लिए आप चाहे तो कॉन्शियस मेडिटेशन का फॉलो कर सकते हो। जितना कॉन्शियस मेडिटेशन करोगे, उतनी जल्दी ही चीज़ें आप लाइफ में पा पाओगे। और यहाँ पे अगर कहीं पर आपने कहीं पैसा आपने इन्वेस्ट किया हुआ था, तो वो पैसा आपके पास विद इंटरेस्ट के साथ आपके पास वापस आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। और क्या कार्ड्स हैं और देखते हैं, किंग ऑफ सोर्ड एंड नाइन ऑफ कप। मैं जैसे बोल रही हूँ, कोई ना कोई बड़ी इच्छा, कोई ना कोई बड़ी अचीवमेंट इस नवंबर के मंथ में मेष राशि आपको मिलने वाली है। कुछ ना कुछ ऐसा जिसको आपको बहुत, मैं महीनों से नहीं कहूँगी,
इस 2021 में आपने सोच रखा था, एक टारगेट बनाया था कि ये मैं कर लूंगा, और कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स आते गए और आप उसको नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ नवंबर के माह में मुझे वो बड़ी अचीवमेंट, वो आपकी इच्छा, वो विश आपकी पूरी होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। किंग ऑफ सोर्ड अगेन यही बात कर रही है कि माइंड क्लियर रखो, और इसके लिए जरूरी है कॉन्शियस माइंड में रहने की। तो कॉन्शियस माइंड में रहने के लिए क्या जरूरत है, जितना हो सके अपना कम्युनिकेशन अच्छा बना के रखो, थॉट चक्र पे फोकस करो, जितनी क्लियरिटी से बात करोगे, जितना कम्युनिकेशन अपने साथ रखोगे सही, खास करके अपना इनर कम्युनिकेट अपने साथ सही रखोगे ना, उतनी जल्दी चीज़ें आपकी लाइफ में है ना सारी अलाइन में आ जाएंगी। जो भी चीज़ें आपसे बार बार दूर होती जा रही, दूर होती जा रही, कहीं ना कहीं उसकी वजह ये भी मुझे दिखाई दे रही है कि आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हो, ठीक है, और इसलिए वेटिंग पीरियड जो है ना आपका बढ़ता जा रहा है। इसके लिए क्या जरूरत है, साधना। जितनी साधना करोगे, जितना भक्ति दिखाओगे, क्योंकि हाई प्रेस्टीज के कार्ड है और ये एक भक्ति का कार्ड है, तो जितनी भक्ति उतनी ही शक्ति, याद रखिएगा भक्ति में ही शक्ति है, ठीक है। यहाँ पे किसी के मुझे हेल्थ प्रॉब्लम भी काफी बड़ी दिखाई दे रही है कि हेल्थ प्रॉब्लम काफी हाई रही है, खासकर 3-4 महीनों से हेल्थ में ऐसे ऐसे इश्यूज हुए हैं कि हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा है बार बार। तो यहाँ पे हेल्थ में इंप्रूवमेंट होते हुए दिखाई दे रही है। कुछ चीज़ों में मुझे दिख रहा है यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड से कि सर्जरी की भी जरूरत दिखाई दे सकती है। अगर डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया है कि आप सर्जरी करा लीजिए, और आप जस्ट इसलिए सर्जरी से बचने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि आप डर रहे हो, तो यहाँ आपके लिए एक क्लियर मैसेज है कि जो भी डॉक्टर बोल रहे हैं उस वे पर आप जाइए। अगर वो सर्जरी ही वे है आपके इस मेडिकली प्रॉब्लम से निकलने का, तो आपको वो अपनाना चाहिए, क्योंकि एक नासूर जो होता है जितना ही शरीर में जितनी देर बना रहेगा वो उतनी ही पीड़ा देगा, तो जरूरत होती है उस नासूर को अच्छे से निकाल फेंकने की, ठीक है। तो यहाँ कुछ लोगों के लिए मुझे मेडिकली प्रॉब्लम के में इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सर्जरीज भी मुझे दिखाई दे रही हैं। और 9 of Cups से मुझे कहीं ना कहीं मेंटली जो बोलते हैं ना मानसिक सुकून, वो मानसिक सुकून भी आपकी लाइफ में आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन कोशिश करना जितना हो सके कॉन्शियस माइंड में रहो और साधना में ध्यान रखो। जितना साधना पे फोकस करोगे मेष राशि वालों, उतनी ही जल्दी चीजों को पार कर पाओगे, ठीक है। चलिए आपके लिए जानते हैं कृष्णा के मैसेज क्या हैं, आपके लिए कृष्णा के मैसेज क्या आते हैं, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिएगा मेष राशि वालों के लिए कृष्णा की तरफ से क्या मैसेज है। ओम शायराम, ओम शायराम, ओम ओम कृष्ण, ओम कृष्ण। एक चीज मैं देख रही हूँ, कुछ लोगों के सामने अगर किसी की ऐसी बातें थी जो समझ नहीं आ पा रहे थे, उनको लगता तो था कि सामने वाला आपसे झूठ बोल रहा है, आपके साथ गलत बोल रहा है, पर कहीं ना कहीं आप सोच रहे थे कि आप गलत हो सही हो कुछ पता नहीं, तो वो सच जो सच है ना वो आपके सामने मुझे आते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो भी सच है वो सामने आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये भी बोला जा रहा है विद 9 of Cups, मुझे लग रहा है कि आपको उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहना होगा, क्योंकि जो सच सामने आएगा वो शायद ही आपको थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब कर दे, क्योंकि जिसके ऊपर आप बहुत ट्रस्ट रखे हो वही हो सकता है कि आपके लिए आपके पीठ पीछे आपको छुरा भोंकना जैसे काम कर रहा हो, या आपके पीठ पीछे बुराई कर रहा हो, ठीक है। ऐसी चीजें मुझे यहाँ पे सामने आते हुए दिखाई दे रही हैं। चलो कृष्णा की तरफ से मैसेज देख लेते हैं, मेक द राइट चॉइस। तो यहाँ पे आपके लिए जो मेन मैसेज है, सबसे पहले अपनी चॉइसेस को क्लियर करो, क्या आप चाहते हो। और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है दो चॉइसेस में भटक रहे हो, तो अपनी चॉइस को क्लियर करो, क्या आपके लिए जरूरत है, क्या आपके लिए राइट डिसीजन है। तो ये डिसीजन लेने का अभी टाइम है, ठीक है। डिसीजन लोगे और वो कैसे लोगे, भक्ति के साथ में। यहाँ पे दुर्योधन भी है और यहाँ पे अर्जुन भी हैं, और कृष्णा ने उनके सामने दो चॉइसेस रखी थी कि किसको चॉइस करोगे। कृष्णा ने किस दुर्योधन ने याचड़ी सेना को, और सॉरी नारायणी सेना को, और अर्जुन जो है ना उन्होंने सिर्फ कृष्णा को चुना था। तो ऐसे आपको चुनना है कि क्या मेरे लिए फ्यूचर के लिए क्या ठीक है, क्या मुझे इस राइट पथ, ये मेरे लिए राइट पाथ है। ऐसे ही आपको अपनी चॉइसेस पे गौर करना है। मुझे चॉइसेस काफ़ी दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों के लिए जॉब चॉइसेस भी आ सकती है कि इधर से भी आप अभी तक परेशान थे कि जॉब लग जाएगी जॉब लग जाए, पर कहीं से जॉब नहीं आ रही थी, और अचानक ही आपके पास एक से ज़्यादा चॉइसेस आ जाए जॉब की। तो ऐसे में जितना कॉन्शियस होकर के, जितना इंट्यूशन को फॉलो कर करके आप जॉब को
चॉइस करोगे उतनी ही जल्दी फ्यूचर में आप आगे बढ़ पाओगे। आपके लिए अगला कार्ड है ट्रू डिवोशन एंड फेथ। ट्रू डिवोशन एंड फेथ, ईश्वर को कुछ नहीं चाहिए, ये धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए, उसको श्रद्धा के दो मोती चाहिए, दो फूल चाहिए, दो अश्रु चाहिए। अगर आप श्रद्धा के दो अश्रु भी चढ़ा देते हो ना तो भी वो आप पर खुश हो जाएंगे। इसलिए पॉजिटिव रहिए, जितना हो सके पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव रह करके ईश्वर की भक्ति करते रहिए। जितना ईश्वर की भक्ति उतनी जल्दी चीज़ों का आपकी लाइफ में अलाइनमेंट में आना, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं आपके लिए एंजल क्या मैसेज कर रही हैं, आपको एंजल्स क्या बताना चाहती हैं। ओम साई राम, ओम साई राम। ब्लेसिंग एंड अबंडेंस, तो आपके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे देख रही हूँ ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग, ठीक है। और यह मैंने पहले ही आपको बोल दिया है कि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में अचीवमेंट आ रही है और यहाँ पे अचीवमेंट्स हैं, ठीक है। आप अपनी अपने लाइफ को गोल को पकड़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है, कैच करते हुए दिखाई दे रहे हो। और इसके लिए ज़रूरी है साधना, यहाँ पे भी आप देख सकते हो रेकी की साधना है, तो जितनी साधना उतनी ही जल्दी आपका। और लिसन डीपली, अंतरात्मा की सुनिए, ठीक है। और यहाँ से मैंने मैसेज किया हुआ है ऑलरेडी, अंतरात्मा की सुनिए। चलिए कुछ अफर्मेशंस देख लेते हैं कि कौन से अफर्मेशंस आपको करने चाहिए इस मंथ में। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। सबसे पहला कार्ड है आई एम वर्दी। तो सबसे पहले अपनी अपनी जो है ना रिस्पेक्ट करना सीखिए, अपने आप को कमजोर नहीं समझिए, अपने आप को भाग्यशाली समझिए। अगर अपने लक को बार बार कोसते हो तो उसी चीज को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लोगे। तो जितना हो सके अपने आप को भाग्यशाली समझे, आई एम लकी, आई एम वर्दी। अगला मैसेज है आपका आई डिजर्व टू रेस्ट वेल। तो बहुत ज़्यादा अगर वर्कोहोलिक हो रहे हो, जैसा कि यहाँ पे हेल्थ इश्यूज भी मुझे नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पे अगर डॉक्टर बोल रहा है कि रेस्ट कीजिए रेस्ट कीजिए, तो थोड़ा सा रेस्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। हम सभी को अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए और ये वही टाइम मांग रहा है। आपके लिए अगला कार्ड आई ग्रेटिट्यूड। तो ग्रेटिट्यूड करना सीखिए, जो मिल रहा है उसके लिए ग्रेटिट्यूड कीजिए। मैंने जैसे पहले ही कहा कि जो नहीं है उसके लिए अपने भाग्य को मत कोसिए, जो आपके भाग में है वो आपको मिलेगा। इसलिए अपने आप को भाग्यशाली समझे और ग्रेटिट्यूड करें। आपके लिए अगला कार्ड है आई एम विनर एंड कॉन्फिडेंट। तो जैसा कि पहले ही बात की थी, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कुछ लोगों की कमी दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं चैंट करना है आई एम विनर एंड कॉन्फिडेंट। तो यहाँ पे ये आपके कुछ अफर्मेशंस है, कुछ आपके मन में चल रहा है कि नवंबर मंथ में आपके पूरे होंगे या नहीं होंगे। तो चलिए व्हील ऑफ फॉर्चून से देखते हैं कि आपके लिए क्या यूनिवर्स मैसेज करना चाहता है, क्या इस नवंबर के मंथ में आपका वो प्रश्न का आंसर आ रहा है। तो जब तक मैं इसको सफल कर रही हूँ, अपने मन में यूनिवर्स से इस प्रश्न को दोहराइएगा। ओम साई राम, ओम साई राम। ओके, यहाँ पे अगर मैं देख रही हूँ तो ये क्रॉसिंग पे, क्रॉसिंग लाइन पे ये रुका है, बट इसको मैं भी मैं है, तो एक बार मैं और भी चाहूँगी कि मैं इसको दोबारा लूँ। तो एक बार फिर से ईश्वर का ध्यान करते हुए अपने प्रश्न को मन में दोहराइए। हार्ट से, तो कहीं ना कहीं आपके लिए जो पहला मैसेज जो मुझे दिखाई दे रहा है कि जो भी आपका मन में प्रश्न है इस महीने में पूरा होगा या नहीं होगा, तो वहां पे आपके लिए है मेहनत कि अभी तो वो नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर में अगर आप कोशिश करते हो, मेहनत करते हो, तो उसे यस में बदल सकते हो अपने प्रश्न का आंसर को, ठीक है। तो यस मेष राशि, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। रीडिंग पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जितना हो सके लोगों के साथ शेयर करिएगा, और मेरी रीडिंग 100% आपको रेजोनेट हो इसके लिए जाइएगा और तुरंत ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।